नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जेन बी स्टूडेंट टेक में। आज इस वीडियो में आपको मैं ये बताने वाला हूं कि आयुष्मान कार्ड की जांच कैसे करें कि किसी के नाम से आयुष्मान कार्ड बना है कि नहीं बना है। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है उन लोगों के लिए जिनको आयुष्मान कार्ड से संबंधित रिपोर्ट लगानी होती है। ये वीडियो उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है जो ये जानते हैं कि हमारा आयुष्मान कार्ड बना है लेकिन वास्तव में उनका आयुष्मान कार्ड नहीं होता है। तो बने रहिए शुरू से अंत तक, स्टेप बाय स्टेप आपको मैं वो सारी जानकारी बताने वाला हूं कि कैसे आप पता करेंगे कि आयुष्मान कार्ड किसी गांव में किसका किसका बना है किसका नहीं बना है। ये पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं। इससे पहले कि यदि आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल जेन बी स्टूडेंट टेक पर आए तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बगल में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाला हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए सीधे चलते हैं उस पेज पर जहां से पूरी जानकारी आपको देने वाला हूं। ब्राउजर हो आप उसमें आ जाएं, मैं क्रोम में आ गया हूं। क्रोम में आकर के यहां आप लिखें nhae.gov.in, लिख करके आप सर्च कर दें। जैसे ही सर्च करेंगे इस तरह की एक साइट खुलेगी जिसमें लिखा रहेगा नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। मैं आपको हाईलाइट करके दिखाऊं, ऐसा लिख करके आएगा। हमको इस पर ना क्लिक करके इसके नीचे जो लिख करके आ रहा है ये पीएमजे बेनिफिशरी पोर्टल, इस पर हमको क्लिक कर देना है। मैं क्लिक कर देता हूं, आप अपने यहां क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही क्लिक करेंगे एक नया विंडो खुलेगा, एक नया पेज आपके सामने पुनः ओपन होगा। उसमें लिखा रहेगा अब आयुष्मान कार्ड बनाना हुआ और भी आसान। इसमें आ जाएंगे और इसमें लॉगिन का एक ऑप्शन आएगा जिसमें मोबाइल नंबर और ओटीपी मांगेगा। आप इसमें अपना मोबाइल नंबर डाल दें, जो भी है आपका बना है कि नहीं बना इससे मतलब नहीं होता है। आप अपना मोबाइल नंबर इसमें डालिएगा और जिस गांव का सर्च करना चाहते हैं उसका विधिवत आपको जानकारी मिलेगी। मैं लॉगिन करके आपको दिखाता हूं। सारी चीजें जब डाल देंगे ओटीपी आपको आएगा, ओटीपी से आप वेरीफाई कर देंगे। वेरीफाई जैसे करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का एक पेज खुल करके आ जाएगा जिसमें लिखा मिलेगा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। उसके नीचे आपको यहाँ मिलेगा स्टेट सेलेक्ट करने का, स्कीम सेलेक्ट करने का, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने का और सर्च बाई, इतने ऑप्शन आपको यहाँ देखने को मिलने वाले हैं। उसके बाद आप यहाँ से जा करके अपना जो भी आपका स्टेट है आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैं इसमें उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। ये स्कीम पीएमजे, इसको ऐसे रहने दें, दीनदयाल ना करें, पीएमजे रहने दें। दीनदयाल का देखना होगा तो करिएगा। डिस्ट्रिक्ट आपका जो भी हो आप उसको सेलेक्ट कर लें, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट हो आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ सर्च बाई दे रहा ऑप्शन, आप किससे सर्च करना चाहते हैं, फैमिली आईडी से, आधार नंबर से, नेम से, लोकेशन, रूलर से, अर्बन से। तो आप जिससे भी सर्च करना चाहते हो कर लें, मैं रूरल कर लिया। जैसे ही आप उसको करेंगे लोकेशन को तो यहाँ सब डिस्ट्रिक्ट मांगेगा, इसमें आपका सब ब्लॉक दिखाएगा। जिस ब्लॉक से आप संबंधित देखना चाहते हैं उस ब्लॉक पर आप क्लिक कर लें। जैसे मान लिया मैं सिमरिया सेलेक्ट कर लिया। अब उस ब्लॉक में जो भी आपका विलेज है उसको देखना चाहते हैं तो आप उस विलेज पर क्लिक कर लीजिएगा। तो मैं इसमें मान लिया एक गांव मेरे पास है पचदेवरा, मैं पचदेवरा इसमें सेलेक्ट कर लेता हूं। आपके पास जो भी गांव हो आप उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद मैं आगे बताता हूं आपको। जैसे ये सारी चीजें आप सेलेक्ट करके ओके करेंगे, सब गांव और सारी चीजें इसमें आती रहेंगे, आपको कुछ करने की अलग से आवश्यकता नहीं है। तो आप ये करने के बाद सर्च कर दीजिएगा। यहाँ बगल में सर्च का एक बटन दिखेगा, आप उस पर सर्च कर देंगे। और जैसे ही सर्च करेंगे तो यहाँ पर ये आपको स्क्रॉल करेंगे नीचे तो आपको ये सारी चीजें आपको यहाँ से मिलने वाली है कि किसका किसका यहाँ से बना हुआ है इस गाँव में। ये सारी चीजें आपको यहाँ से मिलने वाली है। तो आप ऐसे ये देख सकते हैं और किसका वेरीफाइड है, किसका नहीं वेरीफाइड, किसका अप्रूव्ड है, किसका नॉट जनरेटेड, ये सारी चीजें आपको यहाँ से देखने को मिलने वाली है। ऐसे आप स्क्रॉल करके यहाँ से देख सकते हैं, जो कई पेज में है आप ये जानकारी यहाँ से ले सकते हैं। खुल गया होगा,
अब इसमें आप जिसका भी देखना चाहते हैं, जिसका भी देखना चाहते हैं, आप या तो ऐसे सर्च करके जाएं, या तो उनके नाम से यहाँ सर्च करें, सर्च बाय नेम। जैसे मान लिया मैं एक सर्च करके आपको दिखाता हूं, जैसे मैं यहाँ डाल दिया राम मिलन, मैं राम मिलन डाल दिया और इसको सर्च कर दिया। अब उनका फैमिली आईडी नंबर आ जाएगा और सारी चीजें आ जाएंगी जो भी उनका रहेगा। मैं सर्च करके दिखाता हूँ, देखिए जैसे ही राम मिलन का मैं डाला तो यहाँ ये हाईलाइट कर देता हूँ, ये राम मिलन का फैमिली आईडी आ गया, सोर्स आ गया, एड्रेस आ गया और फादर नेम जो भी है, नेम आ गया, सन है, मोबाइल नंबर नॉट अवेलेबल है, ई केवाईसी अनडिफाइंड है, कार्ड स्टेटस नॉट जनरेटेड है, एक्शन जो भी चीजें हैं ये यहाँ इनका खुल करके आ गया। अब इसमें दूसरे नंबर पर, दूसरे नंबर पर कोई राम मिलन होंगे उनका भी आ जाएगा। ऐसे करके आप इसमें देख सकते हैं। और एक चीज, मान लिया आप चाहते हैं कि उस गांव की पूरी लिस्ट आपके सामने आ जाए, तो आप क्या करें, यहाँ पर ये पीडीएफ का ऑप्शन बना हुआ है, आप इस पीडीएफ पर जैसे क्लिक करेंगे ये ऐसा कुछ चलेगा और यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करके उस गांव की पूरी लिस्ट देख सकते हैं। जैसे मैं डाउनलोड करके आपको दिखा देता हूँ, डाउनलोड कीजिए और उसको आप पीडीएफ में जनरेट कर लीजिए। अब आपको जब भी रिपोर्ट लिखनी है आप यहाँ से देख सकते हैं कि उनका जो है कार्ड बना है कि नहीं बना है, ये पूरी जानकारी आपको, और उनका मेंबर आईडी यानी कार्ड नंबर भी आपको यहाँ मिल जाएगा, फैमिली आईडी नंबर भी मिल जाएगा, नाम, रिलेशन, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाएगी। तो ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। और आपको ये बता दें कि ये चीज़ आपको बहुत ही आसानी से अब समझ में आ गई होगी और आपको ढूंढने में आसानी हो गई होगी। धन्यवाद। वीडियो कैसा रहा जरूर बताएं और अपने साथियों को भी शेयर करें ताकि उनको भी ये जानकारी हो सके कि कैसे पता करें कि उनके क्षेत्र में या उनके गांव में या उनके हलके में कितने लोग का ये आयुष्मान कार्ड बना है, किसका नहीं बना है, इसकी जानकारी उनको आसानी से मिल सके। धन्यवाद।